जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। ये 2000 और 500 के नोट, ये 2000 और 500 के नोट मान्य नहीं हो पाएगा। ये कितने हद तक सच है या इसके पीछे क्या कारण है, किस वजह से ऐसा हो रहा है, चलिए बात कर लेते हैं। 1999 में RBI की तरफ से एक पॉलिसी आया था, उन लोगों के एक सर्कुलर आया था जिसमें ये बताया गया था कि आप किसी भी नोट का ऊपर लिखिएगा नहीं या उसको स्टेपल नहीं करिएगा, ठीक है। इस तरह का कुछ पॉलिसी आया था कि नोट को हर हालत में, RBI का जो मकसद है कि नोट को हर हालत में साफ सुथरा रखना है, ठीक है। अभी 2017 चल रहा है, कुछ दिन पहले ये अनाउंसमेंट आया है, एक्चुअली फरवरी महीने में शायद आया, हमको डेट ठीक से याद नहीं है। ये अनाउंसमेंट आया और कई पेज में भी ये अपडेट्स आया है कि 2000 और 500 के नोट नहीं चलेगा जब तक कि वो फ्रेश रहे। मतलब ये हुआ कि अभी होली है तो होली के मौके में बहुत सारे हर साल कलर नोट बैंक में डिपॉजिट किया जाता है जिससे बहुत क्षति होता है, और डीमोनेटाइजेशन के बाद से ये चीज, इसका मॉनेटरी सिस्टम पूरा डामाडोल हो गया है, तो फिर से इसको रीअपडेट करने के चक्कर में पड़ा हुआ है कि किस तरह से हिंदुस्तान का मॉनेटरी सिस्टम को फिर से एस्टेब्लिश किया जाए, फिर से डॉलर के मुकाबले रुपया का वैल्यू थोड़ा से अच्छा हो, तो इस तरह का बहुत सारा पॉलिसी है। उसी दरमियान अब कलर नोट या आपका होली के रंग अगर 2000 और 500 के नोट में लगा रहता है या गंदा हो जाता है या फिर उसका ऊपर कुछ लिखा हुआ है पेन से, तो ये RBI तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि उसको नहीं लिया जाएगा। तो ये पूरा पूरी अपडेटेड न्यूज है। तो आप लोगों से यही गुजारिश किया जाता है कि कभी भी आप नोट के ऊपर लिखे ना और उसको कलरफुल ना बनाएं, वो पहले से ही कलर है, ठीक है, और उसको गंदा ना करें, नोट का इज्जत को बरकरार रखें ताकि RBI को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। यही न्यूज है एक्चुअली। 1999 से बताया जा रहा है कि नोट में स्टेपल ना करो, नोट के ऊपर ना लिखो, ये तमाम चीज। तो अभी ये जो पॉलिसी लाया गया कि कलर ना लगे और वो उसका ऊपर पेन से या स्याही से कुछ लिखा ना रहे, इन शॉर्ट नोट गंदा ना हो, तो उसको एक पॉलिसी के तहत वो लोग बोल रहा है, RBI के ये नए पॉलिसी का नाम है क्लीन नोट पॉलिसी एक्चुअली। तो इस पॉलिसी को वो लोग बरकरार कर रखना चाह रहा है। हर साल बहुत बड़ी मात्रा में ये गंदा नोट, कलर्ड नोट और लिखा हुआ नोट बैंक में सबमिट होते रहता है, तो बहुत क्षति होता है, और डीमोनेटाइजेशन के बाद से जो नोटबंदी आया है उसके बाद से तो और भी डामाडोल हो चुका है मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है। तो यही है छोटा सा एक वीडियो। ये वीडियो को जितने भी जानकार लोग हैं, जिनको जानकारी नहीं है एक्चुअली, जो जानकार लोग हैं उनको तो पता ही है, जो जानकार नहीं है जिनको फेसबुक और व्हाट्सअप करने से अगर फुर्सत मिल गया हो तो इस न्यूज़ को भी उनको फॉरवर्ड करके उनको बता दें ताकि बाद में वो बैंक में जाकर लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट ना कर दे। चलिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।